हेलो दोस्तों, दिस इज बात तिलुकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विप्रो का स्टेप प्लस असेसमेंट में जो वर्बल एबिलिटी मींस ग्रामर सेक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मैं सैंपल से और क्वेश्चन लेकर आपके पास आया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसी टाइप का क्वेश्चन विप्रो के स्टेप प्लस असेसमेंट में आने वाला है। हालांकि विप्रो का जो वर्बल राउंड होता है उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैं आपका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कैसे आपको एग्जाम देना है और कैसे आपको अप्रोच करना है। ठीक है, तो उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट से रिलेटेड काफी वीडियो लगातार चैनल पर आ रही हैं और फ्यूचर में भी आती रहेंगी। और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो जो विप्रो का स्टेप प्लस राउंड लिखने वाले हैं या फिर विप्रो का किसी भी एग्जाम को लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है इसमें हम लोग को एरर फाइंड करना है कि किस लाइन में एरर है। सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव, आपको अबव में कुछ डायरेक्शन दिया रहेगा कि आपको इसमें एरर स्पॉटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन है, वी डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम सो थोरोली ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट, नो एरर। इन चारों लाइन में से किस में एरर है? देखिए, जब भी हम डिस्कस वर्ड लिखते हैं डिस्कस, तो डिस्कस का मतलब ऐसे ही होता है के बारे में चर्चा करना, के बारे में। जब डिस्कस के साथ हम लोग अबाउट नहीं लगाते हैं क्योंकि डिस्कस में अबाउट छुपा हुआ है, अबाउट हम लोग नहीं लगाते हैं, अबाउट नहीं होता है। तो एरर किस में है? अबाउट यहां नहीं हुआ तो ए में एरर है। ठीक है, दूसरा, इन इंडियन शिप लेडन विद मर्चेंडाइज गॉट ड्रोन इन द पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो देखिए जब भी शिप का बात होता है तो ड्रोन नहीं होता है, क्या होता है? सेंक, सेंक मींस डूबना। तो आपको सिनोनिम एंटोनिम और कहां कौन सा वर्ड यूज होता है उसका जानकारी रहना चाहिए। यहां क्या होगा? सेंक होगा, ड्रोन नहीं होगा। क्या होगा? सेंक होगा। तो एरर किस में है? सी में। वैसे ही, आई कुड नॉट पुट अप इन अ होटल बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेज वेयर एक्स और बी टेंट, या नो एरर। किस लाइन में एरर है? तो देखिए, जो नंबर सी लाइन है वेयर एक्स वो एक्स और बी टेंट, इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है बिकॉज द बोर्डिंग एंड लॉजिंग चार्जेस, इसमें भी कोई एरर नहीं दिख रहा है। एरर किस में है? देखिए, जब भी पुट अप रहता है, पुट अप, तो इसके साथ जब भी आता है तो क्या आता है? प्रीपोजिशन एट आता है, इन नहीं रहता है। क्या आता है? एट। तो आपको इस तरह स्पॉटिफाई करना है कि कहाँ एरर हो सकता है। आपको जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको काफी अच्छा से पढ़ लेना है, आपको पता चल पाए कि कौन सा वर्ब कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ आता है। ठीक है, उसको पढ़ लेना है ताकि आप एग्जाम की बेन बजा सके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और टेलीग्राम में और लिंक्डइन पर भी जाकर हमसे ऐड हो जाइए, वहां भी कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिश रूलर्स इज फ्री नाउ फ्रॉम द नैरो वेस्टेड इंटरेस्ट, नो एरर। क्या एरर है? तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में कोई एरर नहीं दिख रहा है, द इंडियन रेडियो विच वॉज प्रीवियसली कंट्रोल्ड बाई द ब्रिटिश रूलर्स, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। इज फ्री नाउ, तो देखिए फ्री नाउ एक गलत पैटर्न में यूज हुआ है, सेंटेंस का अरेंजमेंट जो वर्ड्स का रीअरेंजमेंट है वो गलत हुआ है। इसमें क्या होता है? यहाँ होगा ना इज नाउ फ्री, यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। इज नाउ फ्री, इज नाउ फ्री कीजिएगा तो सेंटेंस सही हो जाएगा। तो एरर किसमें? सी में। नेक्स्ट, सॉल्व एज पर द डायरेक्शन गिवन अबव, इसमें क्या करना है? आपको देखना है कि चार को जो वर्ड दिया गया है, जो चार वर्ड है इसमें से स्पेलिंग किसका सही है, इसको बोलते हैं स्पेलिंग करेक्शन। देखना है कि स्पेलिंग किसका सही है। तो हम अगर डी का देखते हैं, इम्प्लॉयड का स्पेलिंग मुझे गलत दिख रहा है, बिटरमेंट का स्पेलिंग गलत दिख रहा है, ट्रीटमेंट का स्पेलिंग गलत दे रहा है, इसमें ए नहीं होगा। ट्रीटमेंट सही किसका दिख रहा है? एपीसीएम। वैसे इसका देखना है आपको, देखिए फॉरेन स्पेलिंग गलत है, फेरिगिन पता नहीं क्या है, फॉरेनी पता नहीं क्या है, फॉरेन का स्पेलिंग क्या है? ए नंबर। तो इस टाइप का आपको स्पेलिंग एरर वाला भी रहेगा, तो आपको काफी से, अगर आपको इंग्लिश का बेसिक नॉलेज है अच्छा से, तो आप काफी अच्छा से परफॉर्म कर पाएंगे और सिलेक्शन तो लेके आएंगे ही। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, ये भी स्पेलिंग वाला ही है। जैसे ओमनियस, ये क्या है? नहीं पता। ओमनियस नहीं पता। ओमिनस ये सही दिख रहा है, एक बार के लिए ओमिनस क्या है? सिनेमा सही है। वैसे ही पैसेंजर, यहाँ ई नहीं होता है, ई होता है, गलत। पैसेंजर ये सही दिख रहा है, पैसेंजर गलत, पैसेंजर गलत। तो ऐसे ही आपको स्पेलिंग, अगर आपका बेसिक इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप काफी अच्छा से चीजों कर पाएंगे। इनॉर्मस, देखिए इनॉर्मस मतलब क्या होता है? इनॉर्मस मीन्स बड़ा, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका हमको एंटोनम फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ,
एंटोनिम। इनॉर्मस मतलब होता है ह्यूज, क्या होता है ह्यूज, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, टाइनी। शॉर्ट नहीं होगा, एवरेज नहीं होगा, वीक नहीं होगा। वैसे ही कमीशन, कमीशन का एंटोनिम क्या होगा, कमीशन मतलब आपको कमीशन मिल रहा है, मतलब आपको कुछ किसी चीज का बढ़ावा दिया जा रहा है, आपको एडअप किया जा रहा है, तो स्टार्ट स्टार्ट नहीं करना होता है, क्लोज मतलब बंद किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। फिनिश मतलब खत्म किया जा रहा है, नहीं। टर्मिनेट मतलब आपको हटा दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा था इधर नहीं दिया जा रहा, टर्मिनेट किया गया आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटेड। वैसे ही ए है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, मतलब सेंटेंस को आपको कैसे रीअरेंज कीजिएगा ताकि इसका कुछ एक मीनिंग निकल सके, ऐसा आपको बहुत सारा वर्ड दिया रहेगा, ए सेंटेंस के रूप में भी हो सकता है कि आपको पहले वर्ड कौन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर कौन आएगा, आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस इससे बना देना है। तो देखिए क्या लिखा है, आई इमीडिएटली सैलरी माई वांट। तो देखिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, सब्जेक्ट खोज लिए, तो सबसे पहले वन हो सकता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे वन किसमें है, वन इसमें है, तो हम इस तरह भी यहाँ सब्जेक्ट खोजेंगे, सबसे पहले कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही होता है, तो सब्जेक्ट हम यहाँ सर्च करेंगे, आई दिख गया तो हम वन को टिक मारेंगे बी पर और आगे बढ़ जाएंगे। मिसाल भी लेते हैं, वन के बाद फाइव, आई वांट, उसके बाद फोर, माई, आई वांट माई, यहाँ लिखता हूँ आई वांट माई, उसके बाद थ्री, थ्री क्या है, सैलरी, सैलरी, उसके बाद इमीडिएटली, इमीडिएटली। तो ऐसे ही आप सब्जेक्ट को भी एक बार स्पॉट करके आप फटाक से टिक मार दीजिएगा, आपके पास अगर टाइम नहीं रहेगा तो देख लीजिए, ठीक है, यहाँ देखिए वन एक ही में ही है तो एक आंसर आ जाएगा। ऐसे ही डू टूडे यू मस्ट इट, अब देखिए यहाँ तो आप टुडे को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, यू को भी बना सकते हैं, इट को भी बना सकते हैं, तो यहाँ आप वो गलती नहीं करना है आपको, अब यहाँ आपको चीजों को अच्छा समझना है। तो देखिए क्या समझना है, टुडे, टुडे को अगर आप लीजिएगा तो टू किस में शुरू है, टू इसमें शुरू है, एक बार इसको देखते हैं, टू, टुडे इट मस्ट डू यू, कुछ नहीं बन रहा है, कोई लॉजिक नहीं। थ्री, बोले थ्री देखते हैं, थ्री यू मस्ट, उस बार डू इट टूडे, हो सकता है यू मस्ट डू इट टूडे, एक बार के लिए इसको टिक मारते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं, वन, वन सबसे पहले डू, डू टूडे, ऐसा कुछ हमको बन नहीं रहा, कटिंग इसको, फाइव इट, फाइव पहले इट, फिर वन डू इट डू, फिर थ्री यू इट डू यू, कुछ नहीं दिख रहा है, इसको देखेंगे, फोर फाइव टू, फोर में क्या है, बोले मस्ट फाइव इट मस्ट ईट टूडे, ये क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, तो आप ए में टिक मार दीजिए और आगे बढ़िए, ये आपका आंसर है। वैसे ही ये भी है, ऐसे इसको देखना है, तो लेफ्ट, लेफ्ट से पहले कोई शुरू नहीं होगा, मतलब अगर वन से कोई शुरू नहीं हो सकता है तो इस ऑप्शन में काट देंगे, काट दिए, द हाउस, थ्री, थ्री से कोई शुरू होने वाला नहीं, थ्री काट दो, सडनली से कोई शुरू होने वाला नहीं, अगर पांच वाला है तो इसको काट दो, मंगा इसको, आ गया, फोर ही से शुरू हो सकता है, तो ही लेफ्ट द हाउस सडनली, या सडनली ही लेफ्ट द हाउस, नो, सडनली ही लेफ्ट द हाउस, सडनली, देखो इसमें क्या होगा, टू को पहले हम इसको लेते हैं, पर इसको एक बार ले रहे हैं, तो टू में पहले क्या है, द, द के बाद लेफ्ट, द लेफ्ट नहीं होने वाला है, गलत, फोर पहले, पहले फोर ही, फाइव को क्या देखेंगे, ही सडनली, ही सडनली, वन में क्या है, लेफ्ट, टू में क्या है, द, और थ्री में क्या है, हाउस, तो मीनिंगफुल सेंटेंस हमारा बन गया, ही सडनली लेफ्ट द हाउस, तो क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही आप ऑप्शन एलिमिनेट पहले कर दीजिए, उसके बाद एक दो ऑप्शन बचेगा तो उसको आप जल्दी से देख सकते हैं, पहले आपको क्या करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिसिन ए नीता गिवेन वाज, तो देखिए मेडिसिन सबसे पहले कुछ नहीं होगा, तो वन अगर जिसमें है, वन को काट कर भगा दो, वन फाइव, वाज से शुरू कोई नहीं होगा तो फाइव वाला नहीं होगा, थ्री से शुरू, थ्री, हाँ थ्री से शुरू हो सकता है क्योंकि नेम है और नेम सब्जेक्ट हो सकता है, तो नीटा, इसको देख लेते हैं, ई को देखते हैं, नीटा, थ्री बाद फाइव वाज, फोर गिवेन, नीता वाज गिवेन टू अ मेडिसिन, हाँ तो हमारे पास क्या आ गया, नीता वाज गिवेन अ मेडिसिन, जो एक करेक्ट
सेंटेंस से और एक बिल्कुल सेंटेंस से, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नेक्स्ट। डायरेक्शन टू सॉल्व, इसको हम बोलते हैं क्लोज सेंटेंस। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि आपको एक पैराग्राफ दिया है और इसमें कुछ मिसिंग वर्ड्स है, उसको आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करके क्या करना है, फिल करना है। तो देखिए क्या लिखा है, टुडे मोस्ट बिजनेसमैन आर वेरी वरी। टुडे आज के जमाने में जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं बहुत दुखी हैं। क्यों है? टू बिगिन विथ दे आर नॉट यू टू कॉम्पिटिशन, इन द पास्ट दे सोल्ड वाट एवर डैश प्रोड्यूस्ड एट वाट एवर प्राइसेस दे क्लोज। मतलब अभी बहुत सारे दुखी हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन में सह नहीं पा रहे हैं। पहले पास्ट के जमाने में जो भी प्रोड्यूस करते थे उसको बेच देते थे। तो वे इट नहीं होगा, एक आदमी के लिए नहीं है, ही अकेले नहीं है, वी हम लोग नहीं है, दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ वन का हो जाएगा दे। दे क्लोज बट डैश इंक्रीजिंग कंपटीशन, बट कंपटीशन के बढ़ने के साथ विथ होगा बाई नहीं, आफ्टर नहीं, फ्रॉम नहीं। ठीक है, एक बार मैं रियल ले लेता हूँ। ठीक है, तीसरा, कस्टमर बिगेन टू डैश एंड चूज। कस्टमर क्या कर रहे हैं, पहले पिक कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं नहीं, पहले टिक कर रहे हैं नहीं, पहले पिक कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को ले रहे हैं उसके बाद बाई कर रहे हैं। ठीक है, वांट भी नहीं होगा तो क्या होगा, पिक होगा। वैसे इम्पोर्ट एंड चूज, इम्पोर्ट्स डलली बिकेम, इम्पोर्ट्स क्या हो रहा है, आसान हो गया, हार्डली हो रहा है, नहीं बहुत सारा खुल गया, मतलब हार्डली नहीं हो रहा है, इजिली हो रहा है, हाँ इजिली हो रहा है, फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, कन्वेंशनली नहीं हो रहा है। ठीक है, अवेलेबल एंड डेट टू एट चीपर, चीपर कॉस्ट नहीं, रिटर्न नहीं, डिविडेंड नहीं, चीपर प्राइसेस, चीपर प्राइस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस टाइप का आ सकता है, इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो वेरियस सेंटेंसेस हैव बीन गिवन इन डायरेक्ट नैरेटिव स्पीच, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगर डायरेक्ट में दिया हुआ तो आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, इनडायरेक्ट में दिया हुआ तो आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं आज के हर एक कंपनी के जो असेसमेंट टेस्ट है उसमें। इफ यू डोंट कीप क्वाइट आई शैल शूट यू, ही सेड टू हर इन अ कॉन्फ्रेंस। काफी काम वाइज ने उसने उनसे कहा कि अगर आप शांत नहीं रहिएगा तो मैं आपको शूट कर दूंगा। ठीक है, ही वांट हर टू शूट इफ सी कुड नॉट कीप क्वाइट कामली, ऐसा कुछ बात नहीं, ऐसा नहीं होता। ही सेड कामली डेट आई कैन शूट, आई इसमें कहा वाला गलत। ही वांट हर कामली डेट ही वुड शूट हर इफ सी डिड नॉट कीप क्वाइट, एक बार के लिए हो सकता है क्योंकि वार्निंग दे रहा है कि अगर उन्होंने शांत नहीं रहा तो उसे शूट कर देगा। एक बार के लिए इसको टिक मारते हैं। नेक्स्ट, कामली ही सेड, ही कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ही सेड टू हिज फादर प्लीज इंक्रीज माई पॉकेट मनी, उसने अपने पापा से कहा कृपया मेरी पॉकेट मनी बढ़ा दीजिए। ही टोल्ड हिज फादर प्लीज इंक्रीज द पॉकेट मनी, ही प्लेज हिज फादर टू प्लीज, यहाँ प्लीज भी है, प्लीज भी है, ऐसा थोड़ी होता है, गलत। ही रिक्वेस्ट हिज फादर टू इंक्रीज पॉकेट मनी, हाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, एक बार के लिए हो सकता है। ही आस्क हिज फादर टू इंक्रीज, नहीं ऐसा नहीं है, और ही टोल्ड हिज फादर, फादर से कह नहीं रहा, रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या हो गया, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपको चीज को एनालाइज करना है और कट्टम कुट्टम अप्रोच अपनाना है। ठीक है, तो ये रहा सैंपल श्योर क्वेश्चन जो विप्रो की तरफ से आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप इस टाइप का क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितना मैंने बताया है इसको तो आपको याद कर लेना है कि अगर ये क्वेश्चन आ गया या इससे रिलेटेड आ गया तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप इसको याद कर लीजिए। और आप हमारे चैनल को यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक्डइन पर जाकर कनेक्ट हो जाइए, और टेलीग्राम चैनल में जाकर एड हो जाइए। सारा का लिंक कहाँ दिया गया, डिस्क्रिप्शन में, सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। चीजों को पढ़ते रहिए, और जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा इस टाइप के कंटेंट को देखकर तो प्लीज आप मुझसे कनेक्ट होइए, और कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है तो। ठीक है, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।